नमोध्याय जय भीम। मैं आपका दोस्त प्राजागारो आज फिर एक बार धम्मपद की एक नई कहानी को लेकर आया हूँ। पापी जनों से दूर रहे, संतों का सत्संग करे, शक्र की कथा। लेकिन इस कहानी की शुरुआत करूँ इससे पहले आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो सुनते हैं गाथा 207। बाल संगत चारी दीध मद्दान सोचती, दुखो बाले संवासो अमितेने वसबदा, धीरोच सुख संवासो याति नव समागम। अर्थात मूर्ख जनों के संग रहने वाला पुरुष समय के अंतराल में दुख ही दुख पाएगा। मूर्खों के साथ रहना शत्रु के साथ रहने जैसा है, यह और भी अधिक कष्टप्रद दुखदायी होता है। इसके विपरीत सज्जन पुरुष का समागम वैसे ही है अति सुखदायी होता है, जैसे किसी प्रियजन के साथ रहना। तो सुनते हैं शक्र की कथा। भिक्षुगण ने एक दिन धर्म सभा में चर्चा कर दी। धन्य था इंद्र का शास्ता से प्रेम, उसने अपनी दिव्य संपत्ति को छोड़ा और बुद्ध की सेवा करने लगा, पर उसके चेहरे पर जरा भी उदासी न दिखी। वह उनका मलपात्र भी उठाकर ऐसा प्रसन्न चलता था मानो सुगंधित पुष्पों की टोकरी लेकर जा रहा हो। शाक्य मुनि ने भिक्षुओं की से चर्चा सुनकर कहा, क्या कह रहे हो भिक्षु? यूं ही अकारण शक्र का मुझसे प्रेम नहीं है? कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि शक्र मुझ में प्रेम है। यह देवराज मुझ में स्नेह के कारण ही वृद्ध शक्र से युवा शक्र में परिणत होकर श्रोतापन्न हो चुका है। उसने अपना पुराना शरीर त्याग दिया है और उसे तरुण शरीर प्राप्त हुआ है। एक बार वह मृत्यु के भय से अति भयभीत हुआ, पंचशिक गंधर्व देव को आगे कर उसने साथ ही इंद्रपाल गुफा में देवताओं के सम्मुख आया था। बाल संगत चारी दिग्घ मध्यान सोचती, दुखो बाले संवासो अमितेनेव सबदा, धीरोच सुख संवासो याति नव समागम। साधु साधु।